तो हे बेडीज, इज द गेम एक्सपर्ट। तो आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं बहुत ही कमाल के गेम फैक्ट्स के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है जो एक इंडियन एडिशन है, जिसका मतलब है जो है मैंने इंडियन गेमिंग फैक्ट्स ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी। वैसे तो यार मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, बिकॉज मुझे ज्यादा जो है इंडियन गेमिंग फैक्ट्स नहीं मिले, बिकॉज इतने ज्यादा नहीं रहता इंडिया में जो है गेमिंग इन्वॉल्व, तो उसके कुछ जो है मतलब फैक्ट्स नहीं मिल पाए। बट जितने भी मिले 5 मेरे को मिल गए यार। बहुत मुश्किल से मैंने जो ढूंढने की कोशिश करी 5 फैक्ट्स, जो कि शायद आपको जो है बहुत ज्यादा पसंद आएंगे एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। एंड अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, एंड बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। तो यार पहले फैक्ट तो शुरू करते हैं इंडिया के पहले गेम से, जिसका नाम है गजनी। या गजनी के इंडिया का पहला गेम है, मतलब एक्चुअली पहला 3D गेम है, जो कि लाइक बहुत ज्यादा लाइक हिट वगैरह तो इतना नहीं था, बट जितना भी था एक पहला एक इंडियन 3D गेम था जिसकी लॉन्च किया गया था। ये एक्चुअली एक TPP गेम जो कि इंस्पायर्ड था मूवी गजनी से। आपको पता होगा गजनी 2008 में आई थी, एंड जब ये गेम आया था इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था इरोस ने, मतलब जो इरोस है जो कि मोस्टली लाइक मूवीज में लाइक जो है मतलब करता पैसे मूवीज जो है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड इस गेम को जो बनाया था FX लैब्स ने एंड गीता आर्ट्स ने, एंड इसने जो है ठीक ठाक कमाई कर ली थी, मतलब ज्यादा तो नहीं करी थी बट $1 million आई थिंक इतना ही कुछ कमा लिया था इसने इस गेम ने, तो ज्यादा कुछ इसकी जो कमाई नहीं थी। बट ये इंडिया का पहला 3D गेम था जो कि लॉन्च हुआ था, इसका नाम था गजनी। वैसे तो और भी गेम्स थे पर इतने बेकार गेम्स थे, मतलब कोई बात ही नहीं है। ये थोड़ा जो चर्चे में थोड़ा सा रहा था उनसे थोड़ा अलग गेम था, बट इसलिए मैंने जो है इसको इंक्लूड किया। ये बना है इंडिया का पहला 3D गेम जो कि गजनी नाम है, एंड ये मूवी से इंस्पायर था गजनी मूवी से। हम सबको जो है गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है एंड गेम खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है, बट आपको पता है कि गेम बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत जाती है, एंड गेम को बनाता है गेम डेवलपर, या एक गेम डेवलपर बहुत ज्यादा मेहनत कर आपके लिए गेम बनाता है। एंड लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वो गेम डेवलपर बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो उसको उसके लाइक जो प्राइस मिलना चाहिए, मीन सैलरी मिलनी चाहिए। तो आपको पता है कि इंडिया में एक गेम डेवलपर की लाइक कितनी सैलरी रहती है? उसकी जो सैलरी रहती है वो 30,000 rupees। एक एवरेज जो है गेम डेवलपर की जो है इंडिया में सैलरी रहती है 30,000 rupees, और वही मैं बाहरी कंट्रीज में बात करूँ तो वो तकरीबन 6 लाख से 10 लाख तक लाइक महीने पर मंथ बता रहा हूँ मैं, पर मंथ जाती रहती है। एंड इस लाइक आप समझ सकते हो कितना बड़ा गैप है, जहाँ पर कि एक इंडियन गेम डेवलपर जो कि लाइक 30,000 rupees महीने कमाता है वो बाहर जाकर उसमें ही 6 लाख रुपये कमा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख वो भी मैं बता रहा हूँ पर मंथ। तो ये बहुत बड़ा गैप है, एंड लाइक ये बहुत बड़ा लाइक रहता है कि जो इंडिया में इतने अच्छे अच्छे गेम्स नहीं बन पाते। हाँ फिलहाल के लिए अभी जो है बहुत सारे गेम्स आए हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं, बट वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी आए नहीं है, बट जल्दी ही रिलीज होने वाले हैं। बट यार कहने की थोड़ा दुख रहता है बिकॉज गेमिंग का इतना चलन नहीं है, गेम खेलने का है पर गेम बनाने का इतना नहीं है इंडिया में, बट धीरे धीरे आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है, एंड शायद आने वाले टाइम पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कि आपको पता है कि इंडिया में गेमर्स की पॉपुलेशन क्या है, मतलब गेमर्स कितने हैं? वैसे तो अगर एक एस्टिमेटेड अगर हमने एक डाटा ले तो हमें पता चलता है कि इंडिया में जो है 300 मिलियन प्लस ऑनलाइन गेमर्स हैं, मींस ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं 300 मिलियन, एंड जो है इंडिया जो है 64th रैंक पर आता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है 64th रैंक पर गेमर्स के मामले में। एंड ये जो तादाद बहुत जल्दी बढ़ी है, कुछ सालों में बढ़ी है, बिकॉज इतना नहीं था पहले, क्योंकि पहले इंडिया के बहुत दूर तो नाम ही नहीं था, बट अब है एंड अब लिस्ट में वो आ चुका है। एंड अगर मैं ऑफलाइन की जोड़ दूँ तो भाई साहब क्या रिकॉर्ड तोड़ देता है इंडिया, वो तो आपको पता ही है, पर ऑफलाइन की जो डाटा नहीं है। एंड यहाँ पे ऑनलाइन का डाटा की 300 मिलियन ऑनलाइन प्लेयर्स हैं इंडिया में, गेमर्स हैं जो कि गेम्स खेलते हैं। हमको पता है कि बाहर की जो है गेम डेवलपमेंट जो है कंपनीज रहती हैं गेम्स बनाती हैं, वो इंडिया बेस्ड गेम्स भी बनाती है, उनके मैथोलॉजी के ऊपर गेम्स बनाती है जिनके जिससे कि वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। एंड उनमें से कुछ गेम है लाइक ओवरवॉच और स्माइट जो कि इंडियन मैथोलॉजी के ऊपर जो गेम्स बनाए हैं, एंड इनके जो कुछ कैरेक्टर हैं वो इंडियन से मतलब जो इंडियन है ना इंडियन गॉड गॉडेस उनसे जो है इंस्पायर्ड है। एंड इसको लेकर जो है मतलब बहुत ज़्यादा बवाल मिल गया था, मतलब इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। एंड जो यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रजत जैद, जो कि मतलब उन्होंने लाइक एलिगेशंस लगाए थे कि यार किसी भी गॉडेस को जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी कंट्रोलर से, तो उन्होंने एलिगेशन लगा के उनको जो है रिमूव करवाया, बट थोड़ी बहुत चला, बट फिर से वो जो है कैरेक्टर उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। बट इससे जो पता चलता है कि यार बाहर कंट्रीज में लाइक जो इंडिया के जो कैरेक्टर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, मतलब इंडिया में उनके कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्योंकि लाइक कुछ हमारे पास इतना बड़ा बढ़िया
बढ़िया कंटेंट है, हम उसके ऊपर नहीं बनाते हैं, हम मतलब अलग चीज़ अलग ही लेवल पर अलग गेम जो करने आते हैं। हमारे इंडिया में जो सारा कंटेंट बढ़ रखा है, बाहर के लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, पर खुद हम जो है फ़ायदा नहीं उठा सकते। हम इतने अच्छे अच्छे गेम्स बना सकते हैं बट हम नहीं बनाते, बाहर की कंट्री बना के चली जाती हैं एंड हम सिर्फ एलिगेशन लगाते हुए रह जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि आपको पता है कि बहुत फेमस गेम है रॉकस्टार का, GTA की बात नहीं कर रहा मैं, इधर RDR की बात कर रहा हूँ, RDR2 की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम तक आपको फुल फॉर्म पता ही होगी, रेड डेड रिडेम्पशन 2। एंड आपको पता होगा कि जो है रॉकस्टार का एक सब्सिडरी है जो है रॉकस्टार इंडिया, एंड रॉकस्टार इंडिया ने लग जो एक्वायर कर लिया था ध्रुव इंटरैक्टिव को, जिससे कि लग जो इंडिया की लग गेम डेवलपमेंट कंपनी है ध्रुव इंटरैक्टिव, तो उसको लग एक्वायर कर लिया था। एंड आपको पता होगा कि यार जो रॉकस्टार इंडिया था ना, वो RDR2 का एक पार्ट था, मतलब RDR2 बनाने में उसका भी मतलब जो है हाथ था, जो कि इंडियन सब्सिडरी है एंड उसमें इंडियंस काम करते हैं, इसका मतलब RDR में भी इंडियंस जो है काम कर चुके हैं एंड इंडिया का भी एक पार्ट है RDR2 में। बस इतना ही था, तो यार मुझे यही फैक्ट्स मिले, ज़्यादा फैक्ट्स नहीं थे बट जितने भी थे ठीक ठाक थे, अच्छे थे, एक इंडियन एडिशन बनाने की कोशिश करिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरे को बताना कि आपके रसोड़े में कौन था, बिकॉज मैं अपने रसोड़े में हूँ एंड अपने रसोड़े में जो है वीडियो बना रहा हूँ। एंड आप बताइए कि आपके रसोड़े में कौन था, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड मैं मिलता हूँ उसी कमाल की वीडियो के साथ, जल्दी गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू लेटर।